हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आप सब देख रहे हो पीछे स्नोफॉल, थोड़ी बहुत स्नो पड़ी है पुरानी। तो कल हम गए थे हमटा पास, वहाँ पे आपसे वीडियो शेयर करेंगे उसकी जो हमने एंजॉय की चीज़ें। और आज हम जाएंगे वशिष्ठ टेंपल। ये देखो कौन आया। तो आज हम वशिष्ठ टेंपल जाएंगे, उसके बाद विल कवर जोगिनी फॉल्स टुडे। कल देखते हैं सोलंग वैली, कल कवर करेंगे क्योंकि आज हम थोड़ा उठने पाए, लेट हो गए उठने में। छोड़ बस बात को, ये देखो मौसम कितना ज्यादा चेंज हो चुका है। ऊपर ब्रंच टाइम जाने से पहले गाइस, ये वशिष्ठ टेंपल जाने का रास्ता। यहाँ से 200-250 मीटर दूर वशिष्ठ टेंपल है, उसके बाद ऊपर आएगा जोगिनी फॉल्स। ऑलमोस्ट लाइक 1 किलोमीटर के आसपास जोगिनी फॉल्स है। यहाँ से आपको यहाँ पे मंदिर में जाके दिखाते हैं, फिर ऊपर जोगिनी फॉल जाकर। गाइस हम आ चुके हैं वशिष्ठ टेंपल। अगर यहाँ पे आपको गाड़ी लगानी तो पेड पार्किंग है, यहाँ पे कोई फ्री पार्किंग नहीं मिलेगी। अगर आपको फ्री में पार्किंग लगानी तो पिछले पीछे लगानी पड़ेगी, तो थोड़े दूर और 700 मीटर तक पैदल आना पड़ेगा। तो बेटर है कि पीछे गाड़ी लगा लो, यहाँ पे मत लगाओ। क्यों? अगर पे कर सकते हैं तो पे कर सकते हो, पे कर देना भाई आपकी इच्छा। एक्चुअली हमारा होटल पीछे ही है, हमने वशिष्ठ में लिया है इसलिए हमारी कार वहीं पर खड़ी हुई है, इसलिए हम यहाँ से पैदल आए हैं वशिष्ठ के लिए, टेम्पल के लिए। एग्जैक्टली। ये आप देख रहे हैं, ये है राम टेंपल मनाली का। इतना तो खैर बड़ा नहीं है, छोटा सा राम टेंपल है। और इसके सामने आप देख रहे हैं वशिष्ठ टेंपल, इसके साथ में ही है। और इसके ऊपर का सीनिक व्यू देखो कितना बढ़िया है। अब दिखाते हैं बहुत ही प्यारा मंदिर। और ये है टेंपल मनाली से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। और ये मंदिर प्रसिद्ध है गर्म पानी कुंड के लिए, जहाँ पर स्नान करने से सारी स्किन प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। यहाँ इस मंदिर के बारे में सब लिखा हुआ है, जैसे 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। इस गांव का नाम ही वशिष्ठ है। मंदिर के साथ ही स्त्री व पुरुष के लिए अलग अलग गर्म जल के कंड हैं। टेम्पल जो है उसके साथ में दोस्त जाते हैं, राइट और लेफ्ट। जो राइट वाला है वो जाता है सीधा वाटरफॉल के लिए, जुगनी वाटरफॉल के लिए। और आपको इस रास्ते और इस नज़ारे के साथ मिलेगा जुगनी फॉल। आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। अरे आंटी कितनी प्यारी हो, एक फोटो प्लीज। ऐसे बनते हैं शॉल। ये तो लोकल कैंडी है ना। अच्छा, ये तो उसमें बनाते हैं मशीन क्या है, और दूसरी बार के लिए जो काफी बड़ी होती होगी। हाँ, वो चीज काफी बड़ी होती है वो तो। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब लाल खत्म हो गया तो अब
काला और फिर ऑरेंज, ऑरेंज फिर ब्लैक फिर ऑरेंज फिर ये जैसे पूरा होगा, फिर वाइट वाइट और ब्लैक। बस थोड़ी बातचीत हुई और फिर आगे निकल पड़े हम। देखो स्नोफॉल के बाद ये रास्ता कैसा हो जाता है, थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। हाँ अगर फ्रेश स्नो होती तो मे बी वो ब्लैक आइस नहीं बनती। और ये झरना बहते हुए जोगनी फॉल का और ये सामने मनाली। चलो चलते हैं। गाइज ये देखो कितना अच्छा व्यू है, और इस व्यू को एंजॉय करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गए, फील किया। और यहाँ पर आप देखोगे अभी कि लिखा भी हुआ है कि थोड़ा सा मेडिटेट करो, बट फिर भी हम बैठे एंजॉय किया थोड़ा बहुत। रास्ता काफ़ी छोटा है जाने का, बट ठीक है, हमें तो व्यू देखना था। गाइज 3 किलोमीटर का स्ट्रेच कम्प्लीट करने के बाद हमें थोड़ा सा नज़ारा दिखता हुआ जोगनी फॉल्स का। और देखो हमें वहाँ जाना है उस कॉर्नर पे, ताकि हम इसका पास का नज़ारा देख सकें। चलो चलते हैं, लेट्स टेक अ रिस्क। और हमारे शूज़ देखो बिल्कुल ऐसे हैं, स्नो पे बिल्कुल चलने वाले, स्पेशली आरएक्स वाले, ये तो बहुत ही स्लिप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पर ठीक है, मेरे शूज़ में ग्रिप बनी हुई है तो वही थोड़ा सपोर्ट लेते हुए। और देखो कितना ज़्यादा रिस्की सा है, पर ठीक है हमें आगे जाना है। लेट्स गो। सो 1, 2 एंड चलो। बस दोस्त खिंचवाई और वापस, और बीच में कुछ बच्चे मिल गए थे और फुटबॉल खेल रहे थे, और जहाँ कुछ कुछ खेल चल रहा हो और बच्चे खेल रहे हो तो फिर रुकना तो बनता ही है। फिर कहाँ वो मोमेंट्स आते हैं दोबारा लाइफ में। तो हम बनाते हैं मेमोरीज, और आप वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। बाय बाय।